दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार में नई वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या आपको इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करना, और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, जैसे हम नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हरियाणा कौशल रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें दोस्तों आप जैसे यहाँ पर वैकेंट जॉब में आएंगे तो आपको यहाँ पर चार वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जो आज ही आउट हुई हैं, देख सकते हैं 4/12, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13/12 है। उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल मिल जाएगा। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में लिख दिया है कौन कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अभी दोस्तों हम यहाँ पर आपको PN की पोस्ट अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ आपको 10th चाहिए, ना ही आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता है ना कुछ और, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर सिर्फ PN की पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये 4th नंबर वाली है, मल्टीटास्किंग की है, PN की पोस्ट है, इसमें सिर्फ 10th चाहिए, और हम यहां पर सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहां पर फैमिली आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहां पर अपनी फैमिली आईडी एंटर कर देते हैं। उसके बाद सिंपली हम डिस्प्ले मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम मेंबर चूज करेंगे जिसका भी हमने यहां पर फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। वो मेंबर चूज करेंगे, गेट वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे फोन में OTP आ चुका है, हम वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपके सामने इस पर से आपके मेंबर की डिटेल आ जाएगी, आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको डिडक्ट कर देगा ये पेमेंट गेटवे पे। इसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर 236 रुपये की पेमेंट मांग रहा है, तो अगर आप यहाँ पर अभी पे करना चाहते हैं तो अभी पे कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सिंपली हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर नीचे देखें मैक पेमेंट का ऑप्शन, तो हम पेमेंट बाद में करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको पेमेंट ध्यान से करनी होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे को बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारी पेमेंट कट गई और हमारा वहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो ये वाला पोर्टल है अभी से मतलब कंप्लीटली अच्छे से बढ़िया से वर्क नहीं करता। इसमें कई बार आपकी ट्रांजेक्शन भी फेल हो जाती है, कई बार आपकी पेमेंट भी फंस जाती है, आपको उसमें ध्यान से पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पेमेंट हम बाद में करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली सेकंड वाले स्टेप पर ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं, और उसके बाद अगर आपके पास कोई NSFQ का स्किल सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नेशनल स्किल का सर्टिफिकेट है तो जैसे हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, उसके बाद आप करेंगे जो भी आपने यहाँ पर कोर्स किया है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम सिंपली इसे नो कर देते हैं। नो करने के बाद हम सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल बतानी होगी, एजुकेशन की डिटेल बतानी होगी। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एड एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा 10th, क्योंकि यहाँ पर 10th मैंडेटरी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 10th भरनी जरूरी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10th चूज कर लेते हैं। उसके बाद रिजल्ट, पास आउट, उसके बाद आपको बोर्ड चूज करना है। हमने हरियाणा बोर्ड से 10th पास किया या फिर अदर बोर्ड से पास किया, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद आता है ग्रेडिंग सिस्टम, आप नॉन CGPA CGPA अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद आता है डेट ऑन मार्कशीट, आपकी मार्कशीट में क्या डेट है वो आप यहाँ पर मैंसन करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है मार्कशीट का नंबर, आपको यहाँ पर मैंसन कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर मैंसन कर देना है। नंबर मैंसन करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर कितने आपने प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर मैंसन कर देने हैं। बाद आपने कितने नंबर में से प्राप्त किए हैं, जैसे हमने 500 में से प्राप्त किए हैं तो हम 500 सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 10th की DMC को अपलोड करना होगा, जिसका साइज 500 KB के अंडर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें आप सिर्फ PDF फाइल ही अपलोड करेंगे, ठीक है। DMC अपलोड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अभी देखेंगे हमारे यहाँ पर 10th ऐड हो चुकी है। अगर आप इसमें और एजुकेशन देना चाहें तो ऐड एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एजुकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी 10th यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम सिंपली 3rd स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। ये वाले दोस्तों इसमें अभी नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस करेंगे और अपना स्पोर्ट्स का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप यहां पर अपलोड कर देंगे। और अगर आपने EW सर्टिफिकेट बना रखा है, आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और अपना EW सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है अगर आप EX सर्विसमैन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और अगर आप एक फ्रीडम फाइटर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे सामने आता है सुसिको इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, अगर आप इसमें हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे सिंपली, नहीं तो आप यहाँ पर सभी में नो कर देंगे, ठीक है।
तो हमारा इसमें कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपके सामने आता है एक्सपीरियंस की डिटेल का, यानी कि फोर्थ स्टेप आ जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जॉब लोकेशन की प्रेफरेंस देनी है, आप जॉब कहाँ पर करना चाहते हैं आप अपने कोडिंग्स में सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आती है इसमें प्रेफरेंस 1 और 2 3, आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं आप अपने कोडिंग्स में दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस का डिटेल का, तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना होगा किस प्रकार से करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर आई एग्री पर टिक करते हैं तो हमारे सामने आता है इंटर एटलीस्ट 1 एक्सपीरियंस, ठीक है। इस प्रकार की अगर आपको एरर देखने को मिलती है तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से करना होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप देख लीजिएगा, आपको सिंपली यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस का ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे कैसे रहने देना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने इस प्रकार से एरर आ जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर से नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आप देखेंगे इस प्रकार से आपका यहाँ पर नो हो चुका है, ठीक है। नो होने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आई एग्री पे टिक करेंगे, तो देख लीजिएगा इस प्रकार से हम जैसे हमने यहाँ पर आई एग्री पे टिक किया तो हमारे यहाँ पर आई एग्री पे टिक हो चुका है और हमारे सामने यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन भी आ चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, उसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं पे की थी, तो अभी हम यहाँ पर पेमेंट पे कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली ओके पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे सामने यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप फॉर्म के लास्ट में पेमेंट भरना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पेमेंट भर सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेमेंट पे होने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर हरियाणा कोर्स रोजगार के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस के। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।